एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है Android BGMI Master Series के अंदर। हम एक तलाश पे निकले थे फाइंडिंग द नेक्स्ट बिग वॉइस ऑफ BGMI, और हमारी तलाश हर दिन हमको मिलाती है एक नए चेहरे से और हम सुनते हैं उनसे उनकी Android स्टोरी। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के शो की और मिलते हैं हमारे टैलेंट हंट के आज के विनर से। वी हैव टुडे मिरेकल जॉइनिंग अस फॉर द विनर ऑफ द Android BGMS टैलेंट हंट विनर। मिरेकल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विन। कैसा लग रहा है ये टैलेंट हंट जीत के? थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, और जो नॉर्डविंग के द्वारा यहाँ पर एक टैलेंट हंट एक तलाश की जा रही है कास्टर्स के लिए, अंडरडॉग कास्टर को काफ़ी ज़्यादा फेवर मिलने वाला है और उनमें से एक मैं आज यहाँ हूँ। खुशी हुई कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। आपसे हम कुछ सवाल जवाब भी करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने सवाल पूछूं। मैं इन दोनों इंटेरोगेटर्स को छोड़ देता हूँ खुला आपके ऊपर, सो फिक्स शूट फर्स्ट। तो मेरे ख्याल आप काफ़ी सारे एनालिसिस वीडियोस बनाते हो, तो रिसर्च कैसे करते हो, क्या रहता है और उसको कास्टिंग में अपने इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करते हो? जब भी मैं कोई एनालिसिस वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूं, मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि कुछ अंडरडॉग इससे सीखें। अगर उनकी जो बड़ी टीम है जिसको देखकर वो यहां पर सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी गलतियों से भी कुछ सीखें और उन्हें वो गलती अपने इवेंट्स में नहीं करनी है। अगर आपके पास सेम सिचुएशन आती है तो आपको कैसे ध्यान रखना है, उस पर ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है। एंड जो भी एनालिसिस रहता है मैं ट्राई करता हूँ 100% अपना दूँ, और इससे मेरे टीम कास्टिंग पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मुझे उन पर्टिकुलर टीम्स के गेम स्टाइल के बारे में पता चल जाता है। मैं समझ जाता हूँ कि उनका ड्रॉप लोकेशन क्या, किस टाइप की रोटेशन वो देते, तो ये इंडिविजुअली मेरे लिए भी काफी अच्छा इंपैक्ट डालता है। नो डाउट, ये कॉज है, कॉज एक बार प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो कास्टिंग में वो रिफ्लेक्ट जरूर करता है। तभी मैं मीडिया डे हमेशा अटेंड करता हूं, बट मेरा सवाल हमेशा ये रहता है कॉज मैं थोड़ा टेक नहीं पता रहता आपको, सब कुछ पता होता है, आप लोग बाद में बात कीजिएगा। बट मेरा जो टेक वाला सवाल ये रहता है कि आप वीडियोस भी बनाते हैं, आप कास्टिंग भी करते हो, ऑब्जर्विंग करते हैं, तो एंड्रॉइड कितना मदद करता है आपको? देखिए, एंड्रॉयड से ही कहीं ना कहीं मैंने अपनी कास्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी। एंड्रॉयड का फ़ोन था तब, मैं मोबाइल कास्टर था, देन वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस की, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अभी भी मैं गेम जो खेलता हूँ वो एंड्रॉयड पे ही गेम खेलता हूँ, तो ओवरऑल एंड्रॉयड एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में बन चुकी है, जहाँ पर अगर आपका करियर स्टार्ट हो रहा है वो भी कास्टिंग करियर, क्योंकि हमें पता है जो काफ़ी प्रेशर पड़ता है मोबाइल फ़ोन्स पे, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स पे स्ट्रीमिंग के टाइम काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, तो उस चीज़ को एंड्रॉयड काफ़ी अच्छे तरीके से करता हुआ नज़र आ रहा है और मेरे लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फ्रीडम तो मिलती है एंड्रॉयड के, फ्रीडम एक्सेसिबिलिटी, बैरियर ऑफ एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, कुछ डिवाइसेज आर कंपैरेटिवली चीपर, तो जैसा मिरेकल ने भी मेंशन किया जो अंडरडॉग्स हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है गेमिंग के अंदर एंटर कर पाना। लेकिन चलिए मिरेकल, दिस इज अ टैलेंट हंट, आपको पता था यहाँ पे आपको कुछ तो कास्टिंग करनी ही पड़ेगी, तो हमारे जो भी विनर्स होते हैं उनके लिए हम एक क्लिप प्रेजेंट करते हैं, और आज क्या आप रेडी हैं हमारे लिए थोड़ी देर कास्ट करने के लिए? ऑलराइट, सो लेट्स हैव द क्लिप फॉर मिरेकल। टीम फॉरएवर और उनके साथ रेविनेंट सामने, रेविनेंट यहां पर पहला खिलाड़ी टेक डाउन होता हुआ नजर आएगा। माफिया आगे मूविंग करना चाहते, ओमेगा उनके हाथों में स्कॉर्पियन, एक अच्छा नॉक निकालते हुए ब्लेज, ही इज ऑन द नीज राइट नाउ, सेंसी आगे बढ़ जरूर रहे हैं, एक अच्छा नॉक निकाला अपने वेक्टर से, बट उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। फ्लॉक वो फ्रैग को कंफर्म करना चाहते हैं, हाथों में चाकू है, ओमेगा यहाँ पर आगे मूविंग करना चाहते थे बट फ्लॉक एक अच्छा नॉक निकालेंगे, अपने चाकू से पिक ऑफ करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर एक बेहतरीन एक थर्ड पार्टी भी आते हुए नजर आएगी, कार्पेडियम वो यहाँ पर आगे मूविंग करते नजर आएंगे, गमला बॉय उनके हाथों में बाइजन, एक नॉक निकलेगा और देखते ही देखते रेवेनेंट का भी सफाया हो जाएगा। लाजवाब, लाजवाब। ये आज के दिन की सबसे ऑकवर्ड फाइट थी, तो आई थिंक आपको एक अच्छा खासा टेस्ट मिला है कि जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं तो उनके साथ कैसे डील किया जाता है। बट मिरेकल, गुड जॉब। अब मेरा एक क्वेश्चन रहता है जो बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड नहीं होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं जो आप अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, अपार्ट फ्रॉम कॉमेंटेटिंग करते हैं, हाउ डू यू थिंक दे हेल्प यू विद योर कॉमेंट्री स्टाइल? मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं क्रिकेट में हमें पता है जतिन सप्रू जो कि ऑलरेडी वो करते हैं काफ़ी अच्छी कमेंट्री, वो भी करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ वो ठहराव, और हमेशा जब भी मैचेस देखता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि उनकी कमेंट्री या फिर और भी जितने कमेंटेटर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हुए जाऊँ, और फिलहाल के लिए जतिन सप्रू को मैं ज़रूर वॉच आउट करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि हर एक चीज़ उनका सीख सकूँ। आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर्स को हम सब फॉलो करते थे, हम सबके हमारे फेवरेट्स होते थे जिनसे हमने सीखा है, और उन चीज़ को हम ई स्पोर्ट्स में लेकर आने की कोशिश करते हैं। मेरी एक हॉबी है रियलिटी शो देखता हूँ, दैट्स वाई आई एम एबल टू टॉलरेट दीस टू, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिरेकल, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन विनिंग
the Android BGMI Master Series Talent Hunt. और आप लोगों को बताना चाहूंगा, stay tuned in for more Talent Hunt excitement like this, because हम रोज आपके लिए नए चेहरे, नई आवाजें लाते रहेंगे BGMI की दुनिया से. तब तक के लिए thank you so much for tuning in. Until next time, take care. Bye-bye.